गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अरुण सर आज आप लोग साइंस लेके आया हूँ क्लास एट का। हम लोग फर्स्ट लेसन पढ़ चुके थे क्रॉप प्रोडक्शन। आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट टू रिमेम्बर, हमने क्या जाना और क्या सीखा। आइए शुरू करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस क्रॉप एंड रियरिंग एनिमल्स इज रेफर्ड टू एग्रीकल्चर। फसल उत्पादन की प्रक्रिया को एग्रीकल्चर कहते हैं, कृषि कहते हैं। मेनी प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रो ऑन लार्ज स्केल इन ए सीजन आर कॉल्ड क्रॉप्स। एक ही तरह के पौधे किसी सीजन में एक जगह पर ज्यादा मात्रा में उत्पादन करने की प्रक्रिया को फसल कहते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप प्लांट्स सच आर क्रेल्स, पल्स, ऑयल सीड्स इटीसी। फसल कई तरीके की होती है, अनाज फसल, दाल वाली फसल, तेल वाली फसल। द क्रॉप सोन इन जून और जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स। जो फसल जून और जुलाई के महीने में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, इस फसल को खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान मक्के की खेती को खरीफ फसल कहते हैं। द क्रॉप सोन इन अक्टूबर और नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च और अप्रैल आर नोन एज रबी क्रॉप्स। जो फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, उसको रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूं, सॉइल प्रिपरेशन इन्वॉल्व थ्री स्टेप, फ्लॉपिंग, लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग। मिट्टी की जो फसल करने के लिए मिट्टी को जो तैयार की जाती है, तीन तरीके से की जाती है। जुताई करके खेत की, फील्ड की, फिर मिट्टी को बराबर किया जाता है और उसमें खाद की मिला मिश्रण किया जाता है, मिट्टी में खाद मिलाया जाता है। सीड आर सोन इन द फील्ड बाय एनी टू मेथड। बीज को खेत के अंदर तीन दो तरीके से लगाया जा सकता है, बोया जा सकता है। बाय स्केटिंग देन इन द फील्ड बाय हैंड, या तो हाथ से छिड़काव करके, या बाय यूजिंग सीड ड्रिल, या बीज छिड़कने की मशीन से। सीड्स नीड वाटर टू जर्मिनेट। बीज को अंकुरित होने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सैंडी सॉइल नीड मोर वाटर देन क्ले सॉइल। जो रेतीली मिट्टी होती है वो चिकनी मिट्टी के अधिक अपेक्षा अधिक पानी लेती है। एक्सेसिव इंटीग्रेशन ऑफ हार्मफुल टू द क्रॉप्स। फसल के लिए इरिगेशन क्या है, हार्मफुल एंड नुकसानदायक है। ए फर्टिलाइजर इज ए मेन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच सप्लाई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ऑन द सॉइल। आगे के द्वारा बनाया गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिट्टी को ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता, मतलब उचित पोषक देता है मिट्टी को। क्रॉप शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स, बर्ड्स एंड पेट्स। फसल को स्ट्रे एनिमल्स, चिड़ियों और पेट्स से क्या होते हैं, उसको बचाया जाना चाहिए। पेस्टिसाइड शुड बी यूज वाइजली। कीड़ों मारने की दवा को अधिक यूज करना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैटर्ड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसल कटाई कर फसल को काटने और इकट्ठा करने की प्रक्रिया को हार्वेस्टिंग कहते हैं। फूड ग्रेन्स आर स्टोरेड इज ए स्मॉल कंटेनर मेड ऑफ मेटल और क्ले टू डोमेस्टिक स्केल। फूड जो अनाज है उसको स्टोर किया जाता है बड़े स्तर पर। द हज रिवर्स स्टॉक फूड ग्रेन्स परचेड बाय गवर्नमेंट इन इंडिया एवरी ईयर। बड़ी मात्रा में सरकार द्वारा अनाजों की खरीदारी की जाती है। द ग्रेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन आवर कंट्री कॉल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन। अधिक मात्रा में फसल उत्पादन की प्रक्रिया को ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है। द टेक्निक बाय विच द हाई यील्ड बैटरीज हैव बीन डेवलप्ड इन कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस ब्रीडिंग। जब दो तरह की फसलों को मिला के नए तरीके की फसल को जब बनाया जाता है, इसको हाइब्रिडेशन क्रॉस कहा जाता है। द प्रोसेस बाय विच फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट्स कन्वर्ट इनटू कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। वायुमंडल के नाइट्रोजन को जब नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट किया जाता है कंपाउंड के रूप में, तो इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग इतना ही पॉइंट को जाने हैं। अब अगला लेक्चर हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे माइक्रो
ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव। तब तक के लिए थैंक यू।